हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे सामने खड़ी है रेनो क्विड। ये हमारे सामने इसका जो है सेकंड टॉप वेरिएंट है क्लैम्बर एडिशन के अंदर। आज की वीडियो में हम जो है डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो अपडेटेड क्लैम्बर एडिशन है क्या कुछ नया लेके आया है, साथ के साथ कौन कौन से फीचर्स आपको एड ऑन देखने को मिलेंगे, क्या प्राइसिंग है और क्या कुछ फीचर ऑफर करता है। आज की वीडियो में जो है हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखाऊंगा, फिर बात करेंगे इसके वेरियंट की और फिर चलेंगे इंटीरियर की तरफ के इंटीरियर में ये जो है क्या कुछ ऑफर करता है। तो चाबी दिखा देता हूँ मैं, चाबी आप देख लो। इस वेरियंट की चाबी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जिसके अंदर दो बटन दिए गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए और पीछे टिपिकल रेनो का लोगो मिलेगा। और दूसरी चाबी की बात करें, इसमें जो है आपको बटन नहीं मिलेंगे, मैनुअल चाबी आती है सिर्फ। तो चाबी में बस बेसिक सी ये दो चीज़ें ही आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब बात करें इसके वेरिएंट की, तो ये हमारे सामने जो है इसका क्लैम्बर एडिशन 1.0 मैनुअल डुअल टोन वेरिएंट है। इसके ऊपर जस्ट ऑटोमेटिक एएमटी वाला वेरिएंट और आता है, तो इसको आप जो है एक तरीके से सेकंड टॉप वेरियंट समझ सकते हो। तो बात करेंगे इसके बारे में कि ये जो है सेकंड टॉप क्या कुछ आपको ऑफर करता है। चाबी मैंने दिखा दी। कॉस्टिंग की बात करें, ये वाला वेरियंट आपको कॉस्ट करता है एक शोरूम 6 लाख रुपीज़ ऑन रोड के लिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना, आपको एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट कलर कौन कौन से में आती है वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। डुअल टोन की स्पेशल चीज़ ये है कि आप इसकी रूफ देख सकते हैं, वहाँ पे जो आपको ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। और क्लैम्बर एडिशन की बात करें, तो क्लैम्बर जो है यहाँ पे लिखा गया है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, दोनों साइड आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करें फ्रंट में डिटेल में, तो आप एक बार कार को फ्रंट से देख लो क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। सेंटर में बात करें, तो बड़ा सा आपको क्रोम फिनिश में रेनो का लोगो देखने को मिलेगा। मैट फिनिश में ग्रिल है, साथ में क्रोम का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। और रेडिएटर ग्रिल की बात करें, तो वो आपको कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। साथ में डार्क सिल्वर में जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, व्हाइट इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कार खराब हो जाए, टो करनी पड़े, तो यहाँ से आप जो है कार को टो भी कर सकते हो। इसके अलावा हेडलाइट यूनिट की बात करें, तो एक बार आप कंप्लीट देख लो, ऐसी कुछ आपको देखने को मिलेगी। लो बीम हाई बीम जो है अलग अलग आती है, क्योंकि रिफ्लेक्टर सेटअप आता है आपको, हेलोजन बल्ब के साथ आपको दिख ही रहा होगा। और इंडिकेटर्स वगैरह की बात करें, तो वो आप यहाँ पे देख लो, DRLs आपको सामने देखने को मिलेगी। इस वाले वेरियंट के अंदर आपको DRLs भी जो है देखने को मिल जाती है। और फ्रंट बोनेट की बात करें, तो यहाँ पे आपको सिंगल वॉशर दिया गया है, सिंगल वाइपर आपको देखने को मिलेगा। बोनेट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे डुअल टोन वेरिएंट है, तो आपके फ्रंट के जो ए पिलर्स हैं वो आपको पियानो फिनिश के अंदर देखने को मिलेंगे। साथ में वायर्ड में एंटीना दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको रूफ रेल्स देखने को मिलते हैं, बट एक्टिव रूफ रेल्स नहीं है, यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं डू नॉट अप्लाई लोड। व्हाइट इंसर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। और क्लैम्बर एडिशन वाली मैंने बात आपको यहाँ पर बताई दी थी, पूरी कार पे व्हील आर्चेस देखने को मिलेंगे, साथ में डोर पर बिडिंग दी गई है, बट बॉडी क्लैडिंग नीचे नहीं आती है। अब जैसे ये 2024 एडिशन है, तो इसके अंदर आपको जो व्हील्स हैं वो ऐसे कुछ देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर जो ये व्हील कवर है ये आपको पियानो फिनिश के साथ सिल्वर फिनिश में जो है यूज़ देखने को मिलेगा। रेनो का लोगो है। 3 नट के व्हील साइज आपको देखने को मिलेगा, आगे डिस्क ब्रेक आएंगे, पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं। और ABS CVD जो है स्टैंडर्ड ही मिलेगा। टायर सेक्शन की बात करें, तो पहले तो C8 का फ्यूल स्मार्ट टायर आपको देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बेसिक रेंज का टायर है। उसके अलावा बात करें सेक्शन की, 165/70 14 इंचेस के जो है इसका रिम का साइज है। बात रही सस्पेंशन सेटअप की, तो आगे आपको मैक पर्सन मिलते हैं ट्रांसवर लिंक के साथ, और पीछे आपको जो है ट्विस्टेड एक्सल बीम विद कॉइल स्प्रिंग के साथ जो है सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। और अपने बी पिलर की बात करें, तो ये आपको मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलेगा। और ORVMs की बात करें, तो ये आपको बॉडी कलर दिए गए, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसको आप इलेक्ट्रिकली अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, बट ऑटो फोल्ड यहाँ पर नहीं दिया गया है। आ जाए पीछे, तो पीछे से पूरी कार जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको जो है सेम जो आगे इंसर्ट थे वही सेम इंसर्ट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं व्हाइट कलर में। और सेफ्टी में सेंसर्स की बात करें, तो वो आपको यहाँ पे नहीं देखने मिलते हैं, यहाँ पे फिजिकल की लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। क्विड की बैजिंग है, रेनो का लोगो आपको मिलेगा, रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे दिया गया है। रेनॉल्ट की बैजिंग मिल जाएगी। टेल लाइट्स की बात करें, तो कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, बेसिक हैलोजन बेस्ड टेल लाइट्स है, इंडिकेटर बैक लाइट और सिर्फ ब्रेक लाइट, आपको तीन चीज़ें जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिलेगा। रियर विंडशील्ड की बात करें, डिफॉगर वाइपर दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं आता है। हाई मोटर स्टॉप लैंप आपको देखने को मिल जाएगी। प्लेन रूफ है, वायर्ड एंटीना जो दिया गया, एक बार मैं आपको दिखा दूंगा कैसा देखने को मिलता है। और यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, CNG के अंदर नहीं आती है रेनो क्विड। तो ये बेसिक सी आपको एक्सटीरियर में सारी चेंजेस और जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है क्लैम्बर एडिशन के अंदर, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा इंटीरियर की बात करें, तो एक बार इंटीरियर पर आपको लेके चलता हूँ। एक बार आप डोर ट्रिम देख लो, सबसे पहले तो आपको ऑल ब्लैक ट्रिम यहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड चेंज की बात करें, तो यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे। सेंट्रल लॉकिंग का बटन यहाँ पे दिया गया है। पावर विंडो का स्विच आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। पहले जो है सिर्फ फ्रंट की दो पावर विंडो आती थी, अब जो है बैक में भी आने लग गई हैं। यहाँ पे आपको जो है अपना ग्रैब हैंडल दिया गया है। स्पीकर पीछे नहीं आएंगे, सिर्फ आगे आपको दिए गए हैं। और सीट्स की बात करें, तो फैब्रिक आपको सीट्स देखने को मिलेंगी, साथ में ऑरेंज इंसर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ पहले आती थी कि नहीं क्लैम्बर एडिशन के अंदर, अगर किसी को पता है तो कमेंट में ज़रूर बता देना। 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिलेंगी, बीच वाले के लिए लैप बेल्ट दी गई है। और ये चीज़ आप देखो, इसका वायर्ड एंटीना ऐसा कुछ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिक्स्ड आपको जो है यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं। एक चीज़ इससे पहले मैं आपको इसका जो है बूट दिखा देता हूँ, बूट मैंने आपको दिखाया नहीं था। इसको आप यहाँ से जो है फिजिकल की लगा के इसको जो है अनलॉक कर सकते हो।
तो ऐसा कुछ आपको ओपन होने के बाद सारा सेटअप लगेगा। पार्शल ट्रे इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको आएगी। 260 लीटर का बूट स्पेस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, और साथ में बैच होल्डिंग सीट वाली मैंने बात अभी बता ही रहा था, उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। 12V का पावर आउटलेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सेफ्टी रिफ्लेक्टर है, टूल किट वगैरह मिलेगी, और कोई भी कवरिंग वगैरह नहीं की गई है, सिर्फ आपको बॉडी पेंट में ही देखने को मिलता है। और अपने स्पेयर व्हील की बात करें तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेड कलर में आपको फिनिशिंग देखने को मिलेगी। सीएट का टायर है। सेक्शन की बात करें तो 165/70/14 सेम साइज का आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट रेड कलर में फिनिश किया गया है ताकि आप जो इसको लंबे टाइम तक यूज ना करो। तो बेसिक सी ये दो तीन चीज आपको जो पीछे देखने को मिलती हैं। हम थे इंटीरियर की तरफ, एक सेकंड मैं इसको अनलॉक करता हूँ। वायर्ड एंटीना मैंने आपको बता ही दिया था, फिक्स्ड हेडरेस्ट भी आपको देखने को मिलता है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं आती है। और रूफ की बात करें तो प्लेन आपको जो यहाँ पर रूफ देखने को मिलेगी। अंदर चल लेते हैं, एक बार करते हैं क्लोज। यहाँ पे आपको जो फिक्स्ड ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा, सेंटर में कोई भी लाइट नहीं दी गई है, प्लेन रूफ है। सेम सेटअप आपको यहाँ पे दिया गया है, पावर विंडो का स्विच आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और सेंटर में बात करें कुछ भी नहीं आता, प्लेन बेसिक सी। और देखो सीट बेल्ट कहाँ पे हैंग करी गई है, फ्लोर पे। वैसे भी बेसिक रेंज की कार है, देखो ज्यादा जज करना ठीक नहीं है। और आगे के पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दी गई है, जो कि प्रीटेंशन है लोड लिमिटर के साथ आएगी, वो आप वहाँ पे भी देख सकते हो। फिक्स्ड आपको फ्रंट के दो हेडरेस्ट दिए गए हैं, तो पीछे ज्यादा कुछ है ही नहीं, ना ही आपको म्यूजिक सिस्टम के रिलेटेड कोई कंट्रोल्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो देखो बेसिक रेंज की कार है, स्टार्टिंग कार है एक तरीके से आप समझ सकते हो। तो यही सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब चलते हैं अपने ड्राइवर साइड पे। दो बार मैंने ट्राई कर लिया, ये देखो डोर ओपन नहीं हो रहा है, आई थिंक अंदर से क्यों ऐसी दिक्कत है। मैंने चाइल्ड सेफ्टी भी अनलॉक करके देख ली, फिर भी अनलॉक नहीं हो रहा है। चलते हैं बाहर, देखते हैं वहाँ पे आपको क्या कुछ जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके लिए मुझे थोड़ा सा घूम के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला डोर जो है अनलॉक नहीं हो रहा है। बाहर से तो अनलॉक हो जाता है, बट अंदर से नहीं हो रहा है। हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ कमी हो, आई थिंक। डोर ट्रिम की बात करें तो सारा सेटअप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे सेम क्रोम डोर हैंडल है, कोई भी स्पीकर नहीं आएगा, उसके पीछे एक रीजन है, मैं आपको दिखा दूंगा। नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर है, क्रोम फिनिश में डोर लीवर, सेंटर लॉकिंग का बटन, और ये व्हाइट इंसर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और फ्यूल कैप अनलॉक करना चाहते हो उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बूट अनलॉक करने का ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेम सीट है, कोई भी हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अपने मिरर को एडजस्ट करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डोर को करते हैं क्लोज। स्पीकर वाली बात बता रहा था, वो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मूव कर दिया है स्पीकर। और दूसरा स्पीकर की बात करें तो वो यहाँ पे मूव कर दिया है। और बाकी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेंगी। स्टेयरिंग व्हील बिल्कुल सेम है, पियानो फिनिश आपको देखने को मिलेगी, म्यूट करने और फोन के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे सोर्स वगैरह और वॉल्यूम को कम ज़्यादा करना चाहते हो उसके ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। रेनो का लोगो है, स्टेयरिंग में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं मिलती। साथ में स्क्रीन की बात करें तो ऐसी कुछ आपको देखने को मिलेगी, छोटी सी स्क्रीन है। और ये जो है बेसिकली डिजिटल बेस्ड आप समझ सकते हो टैकोमीटर है, और यहाँ से आप टॉगल कर सकते हो। इंडिकेटर वगैरह ऑन है, अभी इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। तो एक बार ऑन करूँगा मैं, दिखा दूंगा। वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, और यहाँ पे जो आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे। 7 इंचज की बेसिक सी स्क्रीन है, जिसके अंदर आप अपना जो है ब्लूटूथ वगैरह को यूज कर सकते हो, बट एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो नहीं आता यहाँ पे। और क्विड की यहाँ पे बड़ी सी बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ग्लो बॉक्स का साइज कुछ इतना बड़ा जो है यहाँ पे दिया गया है। और ऊपर बात करें तो मैं आपको जो है यहाँ पे IRV ऊपर जो है आपको हेलोजन बेस्ड लाइट दी गई है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, और सेम यहाँ पे भी आपको कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ऐसा लगता है सेंटर कंसोल, यहाँ पे मिलेंगे आपको इसके पावर विंडो के स्विचेस, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन भी दिया गया है। और साथ में हेजलाइट ऑन ऑफ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगा उसका। नीचे मैनुअल एसी के कंट्रोल्स हैं, 12V का पावर आउटलेट दिया गया है, USB NFC का पोर्ट। और नीचे कुछ बड़ी सी स्पेस मिलेगी जहाँ पे कि आप फोन वगैरह आप अपना इजीली जो है रख सकते हो। उसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शन नहीं दिया गया है, मैं नहीं आ रहा ये चीज़ आप कमेंट में एक बार बताना। साइड में कुछ इतनी बड़ी स्पेस मिल जाएगी, नीचे भी कुछ अच्छी खासी बड़ी सी स्पेस है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैनुअल हैंडब्रेक मिलेगा और 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। तो मोटा मोटा ये सारी चीज़ जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। अब एक बार जो इग्निशन को ऑन कर लेते हैं तो फुल साइप अप आपको जो है मीटर देखने को मिलेगा। व्हाइट कलर में एम्बिएंट लाइटिंग है, चेक लाइट वगैरह आती है। और सीट बेल्ट वार्निंग जो है आपको तीनों पैसेंजर के पीछे देखने को मिलेगी। साथ में रेनो की बैजिंग है। कार बीप अजीब ही तरीके से कर रही है, देख रहे हो आप। कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल इंडिकेटर, ये बेसिक सी दो तीन चीज़ आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और टॉगल करें तो ट्रिप ए और ट्रिप बी के अंदर आप जो है चेंज कर सकते हो कितना फ्यूल आपने यूज़ किया है। साथ में एवरेज दिखा रहा है, टायर प्रेशर रीसेट करना चाहते हो तो वो है। बेसिकली कितना प्रेशर है टायर में वो नहीं दिखाता है, बेसिक सी आपको ये दो चीज़ें दिखाएगा। और स्क्रीन देखना चाहते हो तो स्क्रीन देख लो, ऐसी कुछ आपको देखने को मिलेगी। डे एंड नाइट में आप चेंज कर सकते हो इसको। और टाइम वगैरह दिखा रही है, यहाँ से आप वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो इसके को। म्यूट कर देते हैं। दो ही इवेंट्स, पियानो फ्रिज जो है बेसिक से आपको ये दो तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। करते हैं इसको बंद, अदरवाइज ये बीप इरिटेट कर रही है इतनी देर से। बोनेट अनलॉक करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और हेडलाइट ट्रेवलर की बात करें तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। खोलते हैं बोनेट, 3 पेडल्स वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। दिखाता हूँ इंजन कैसा आपको जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है।
सो अभी जो है मैंने इसका फाइनली बोनट उठा लिया है, साथ में कुछ वेट खास है नहीं बोनट में, बट इंसुलेशन दी गई है जो कि अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ आप एक बार देखो, ये मतलब कितना खुला हुआ सा अजीब सा लग रहा है, इससे अच्छी तो ऑल्टो K10 आपको ज़रूर से लग सकती है। और यही मेन रीज़न है, कई एक रीज़न और है CNG में ना आने का, तो इसी वजह से इसकी थोड़ी सी सेल्स आपको ज़रूर से कम लग सकती है। अब बात करें इंजन की, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। पावर की बात करें 67 BHP की पावर मिलेगी और 91 Nm का टॉर्क जो है आपको इस इंजन से देखने को मिलेगा। अब बात करें एवरेज वगैरह की, तो कंपनी जो क्लेम कर रही है वो क्लेम कर रही है इसका 22 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज इसके 28 लीटर के फ्यूल टैंक से। तो एवरेज तो फिर भी ठीक है, बट सेफ्टी और ये जो आप मतलब चीज़ें देख रहे हो, मतलब कई जगह से देखो ये ओपन है, साथ में कवरिंग वगैरह आधा अधूरा, ये चीज़ आप देख सकते हो। तो ये चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग ज़रूर है, क्योंकि 6 लाख का एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड आते आते 7.5 लाख के आसपास पड़ेगी। तो ये आपको क्या जस्टिफाई लगता है कि नहीं, ये चीज़ आप कमेंट में बता सकते हो। तो ये थी ओवरऑल डिटेल्ड वीडियो क्लाइंबर एडिशन के सेकंड टॉप वेरिएंट के बारे में। करते हैं वीडियो के एंड, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।